दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज मैं अपना आया था डीके कार एसेसरीज पे, जो कि अपना पालिका भवन में, और आज अपने पास जो गाड़ी होने के लिए आई है वो है अपनी महिंद्रा थार 4x4। और उसमें कुछ स्पेशल काम जो है होने लग रहा है। ओवरऑल गाड़ी का सारा ही काम जो है हुआ है, डैम्पिंग से लेके चाहे एम्बिएंट लाइट हो, चाहे उसमें स्पीकर का काम हो, है ना, चाहे मैटिंग हो, फ्लोरिंग, सारा ही काम जो है उसमें होने लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो ये है अपनी महिंद्रा थार, जिसमें कुछ ज़बरदस्त सा ही काम हुआ है। इसमें आपको एलॉय पेंट दिख रहे होंगे, ये एलॉय पेंट हुए हैं। उसके साथ साथ अपना जो अपनी ग्रिल होती है वो चेंज हुई है। उसके साथ साथ अपना जो बम्पर है वो लगाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बम्पर है। अपना दिखाऊंगा अभी मैं सामने से भी। उसके साथ साथ अपनी ऑटोमैक्स की LED भी इंस्टॉल हुई है, और साथ में अपनी गाड़ी में इसमें डैम्पिंग भी हुई है, और उसके साथ साथ अपना स्पीकर का भी काम हुआ है, और साथ में हुआ है अपना एम्बिएंट लाइट का, तो वो भी आपको लग रहा है अपने इस थार के जो है अपना AC वेंट्स का काम। ये देख सकते हो आप किस कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ जो है ये काम होने लग रहा है। अपने मर्सिडीज वाले AC वेंट होते हैं, वही जो है अपनी गाड़ी में इंस्टॉल होंगे। ये अपने कुछ ऐसे 4 पीस में आते हैं। तो और ये थे अपने स्टॉक, तो आप स्टॉक देख लो एक बार, और उसके साथ में अपने जो है ये मर्सिडीज़ वाले। तो भाई इतना ज़्यादा जो है डिफरेंस आने वाला है, और अंदर से जो गाड़ी होती है एकदम शानदार जो है, उसके लुक्स कुछ निकल के आते हैं। ये अपना डैशबोर्ड का है, ये देख सकते हो अपने मीटर के साइड में रहेगा। ये अपने राइट वाला जो है अपना AC वेंट रहेगा, ये वहाँ से अपना ऑन ऑफ हो जाएगा। इसमें लाइट भी होगी अभी अंदर, तो वो चीज़ भी आपको मैं दिखाऊंगा। भाई ऐसा कुछ अपनी गाड़ी में जो है काम चलने लग रहा है। इसमें आपको ये अपनी एम्बिएंट लाइट दिख रही होगी, ये अपनी K4 एम्बिएंट लाइट है, रनिंग होती है ये। उसके साथ साथ आपको इसमें अपनी डैम्पिंग जो है वो चल रही है, ऑटोमैक्स की पूरी गाड़ी में जो है वो डैम्पिंग होने लग रही है। उसके साथ इसके फ्लोरिंग होगी, और फिर जो है अपने स्पीकर्स और सारी चीज़ें जो हैं 360 डिग्री कैमरा, हाँ, और साथ में अपना इसमें 360 डिग्री कैमरा भी हो रहा है। तो भाई ऐसी कुछ जो है अपनी ऑटोमैक्स की डैम्पिंग इसमें पूरे में होने लग रही है। भाई मैं अपनी ऑटोमैक्स की डैम्पिंग के बारे में कुछ आपके चीज़ें बता देता हूँ। जो अपनी ऑटोमैक्स की डैम्पिंग है वो एक तो दो मटेरियल से मिलकर जो है बनी होती है, एक रबर और एक फॉइल शीट जो होती है अच्छी खासी थिक, वो उससे जो है बन के अपनी ऑटोमैक्स की डैम्पिंग होती है। और साथ में ये लगा लो, अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो ना, तो आपको कोई भी बाहर का जो नॉइज़ है ना वो नहीं आने वाला है अंदर गाड़ी में। अंदर से पूरी गाड़ी आपकी शांत रहने वाली है। अगर आपने साउंड सिस्टम इसमें इंस्टॉल कराया है, चाहे नहीं कराया, चाहे आपका स्टॉक हो चाहे आफ्टर मार्केट हो, तो डैम्पिंग के बाद उसमें जो साउंड सिस्टम होता है उसमें अच्छा खासा जो है एनहेंसमेंट आ जाता है। और उसके बाद ये लगा लो, जैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में भी आपको अगर कहीं अब जा रहे हो, आप डेली रनिंग कहीं करते हो, तो आपको लगातार जो है अपनी AC वो 2 नंबर पे या 3 नंबर पे चला के रखनी पड़ती है। अगर आपने अपनी गाड़ी में डैम्पिंग कराई है, तो आप आराम से अपनी AC 1 नंबर पे करके आपकी पूरी गाड़ी जो है वो एकदम अंदर से चिल्ड रहने वाली है। ये अपनी ऑटोमैक्स की डैम्पिंग है, ये अपनी साउंड और हीट जो है दोनों का इंसुलेशन मैट बोल सकते हैं इसको। और अपनी ना वही, जैसे मैंने आपको अभी बताया अच्छे से, कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इसकी ये साउंड को इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि बहुत ही जो बढ़िया तरीके से ना गाड़ी में साउंड पूरी इको होती है पूरी गाड़ी में। तो उस वजह से जो अपना सिस्टम साउंड सिस्टम आप लगा रहे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो है इसका रिस्पॉन्स निकल के आता है। तो भाई साथ में इसमें अपना बोनेट स्कूप भी जो है वो लग रहा है, जो कि इसके लुक्स को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बनाने वाला है। आप देख सकते हो ये पूरा काफ़ी ज़्यादा हैवी मटेरियल का जो है ये बना होता है। उसके बाद जो जाके अभी इसमें फिट होने वाला है, उसके बाद के जो लुक्स भाई जो निकलने के आने वाले हैं ना, वो 1 नंबर।
तो गाइस आप देख सकते हो इस अपनी थार में अपने हेडलैम्प जो है वो इंस्टॉल हुए हैं, प्लस अपनी DRL चेंज हुई है, उसके साथ साथ अपनी ऑटोमैक्स की LED विद IPH प्रोजेक्टर जो है वो इंस्टॉल करे हैं। तो भाई साथ में देख सकते हो आप क्या ही जो है ज़बरदस्त इसका रिस्पॉन्स जो है निकल के आ रहा है भाई। इतनी रात में भी पूरा इसको पूरा यहाँ पर पूरा रोशनी कर दिया, तो भाई इतना ज़्यादा ज़बरदस्त जो कि रिस्पॉन्स आने लग रहा है इस गाड़ी का। साथ में आप देख सकते हो उसमें अपनी हमर लाइट जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है, तो भाई कुछ ज़बरदस्त ही जो है इसमें अपनी हमर लाइट भी देखने के लिए इसमें लग रही है। ज़बरदस्त ही इसका रिस्पॉन्स है अपना हाई बीम का के साथ लो बीम का जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स लग रहा है। इसमें 200 वॉट जो है वो इंस्टॉल किया गया है, उसके बाद का भाई आप रिस्पॉन्स देख सकते हो क्या ही ज़बरदस्त जो है अपनी गाड़ी लग रही है। लुक्स में इतने ज़्यादा एग्रेसिव इसके लुक्स लग रहे हैं। तो भाई मैं बैठा हूँ महिंद्रा थार में जो अपनी DK कार सीरीज पे होने आई थी, इसका सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं इंटीरियर आपको चेक करा देता हूँ पूरा एक बार, ये देख सकते हो आप क्या ही ज़बरदस्त जो है इंटीरियर इसका लग रहा है, एकदम आलीशान जो है इसमें फील आ रही है। ये अपनी एम्बियंट लाइट है, ये अपनी K4 एम्बियंट लाइट जो है इंस्टॉल हुई है इसमें 14 पीस, ये देख सकते हो आप पूरा इधर भी और अपना इधर भी और आपके आपका डोर के पास भी जो है देखने के लिए मिल जाएगी। ये पूरा एम्बियंट लाइट का जो है इसमें काम हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त सा। यहाँ पर आप थार की बैजिंग देख सकते हैं इसके अंदर भी, और अपना जो AC वेंट है इसमें भी आप जो है अपने एम्बियंट लाइट का जो है वर्क जो है देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें अपना डायमंड वाला ये इसमें स्टीरियो जो है इंस्टॉल हुआ है। ये अपना 12 इंच का जो है स्टीरियो है ये इंस्टॉल हुआ है, उसके साथ साथ अपनी इसमें हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये देख, इसके साथ साथ अब इसमें अपने सीट कवर जो है वो पूरी गाड़ी में इंस्टॉल हुआ है, उसके सीट कवर के साथ अपनी फ्लोरिंग जो है वो भी हुई है पूरी गाड़ी में, उसके बाद इसके ऊपर मैट बिछाए गए हैं, साथ में अपनी डैम्पिंग भी हुई है पूरी गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बोल रहा हूँ ना मेरी साउंड जो है अपनी अंदर मतलब इको कर रही है एक तरीके से, मैं आपको बताऊं तो बाहर आप बाहर का कोई भी शोर जो है बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है आपको, आप लोगों को भी बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा होगा, ये देख सकते हो आप। मतलब आप ना इसको अपनी इसमें ऐप आती है इसकी एम्बिएंट लाइट की, तो उससे आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ही सुंदर ये एम्बिएंट लाइट जो है इसमें लग रही है। सीट कवर की आप फिनिशिंग भी देख सकते हो साथ में, क्या ही ज़बरदस्त जो है ये स्टिचिंग इसमें करी गई है प्रॉपर, मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम पास से, कुछ भी कोई भी एक भी आपको सलवट इसमें नहीं दिखेगी एक भी सलवट। ये देखिए ये अपना आर्मरेस्ट है, पीछे भी जो गाड़ी में प्रॉपर तरीके से जो है अपने सीट कवर जो है इंस्टॉल किए गए हैं, उसके साथ आपको फ्लोरिंग देख सकते हो क्या ही जबरदस्त फ्लोरिंग इसमें हुई है प्रॉपर। व्हील भी देख सकते हो इसमें भी जो है अपना स्टीयरिंग कवर जो है अभी लगाया गया है,
उसकी भी आप फिनिशिंग देख लो यार। अपनी इस थार में ना 360 डिग्री भी जो है कैमरा वो इंस्टॉल हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपकी राइट का जो है वो अपना व्यू आ गया है इसमें, जो कि और अपना कैमरे का वो देखो, क्या बोलते हैं इसका व्यू, अपना कैमरे का व्यू देखो कि कितना ज्यादा जो है एरिया ये कवर कर रहा है सिर्फ। और इसका ऐसे ही मैं लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देता हूँ, तो देखिए आप लेफ्ट साइड में भी कितना ज्यादा जो है जबरदस्त देखने के लिए लग रहा है, मतलब एकदम बहुत ही अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी इसमें मिल जाएगी। ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखिए आप सामने का जो है पूरा इतना ज्यादा जो है इसमें आपको व्यू जो है देखने के लिए मिल जाता है। बैक साइड का भी देख सकते हो आप कितना ज्यादा जो है एरिया ये कवर को इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए मिल जाएगा। और ये अपना ट्रैक चेंज करना है अगर गाड़ी का, या कुछ भी फंक्शन जो है अपने यूज करने हैं, तो उसका जो है आपको ये फंक्शन यहाँ से मतलब वर्क करेगा। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही है। और एम्बिएंट लाइट में कोई भी आपकी ओरिजिनल वायरिंग जो है वो नहीं कट होती है, या फिर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, सीधे कपलर टू कपलर जो है उसकी पूरी फिटिंग हो जाती है। तो ये भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, गाड़ी में अपना प्रोफेशनल एम्पलीफायर जो है वो इंस्टॉल हुआ है मोबाइल ऑडियो का, तो भाई जबरदस्त ही जो है एम्पलीफायर है ये भाई। साथ ही में ना इसमें अपना प्रो मैन के जो है अपने ग्रैब हैंडल जो है वो इंस्टॉल हुए हैं अपने दोनों साइड में, आप देख सकते हो इधर भी। भाई इसमें जरा सी भी जो है कहीं भी आवाज नहीं आ रही है गाड़ी में, यही सारे जो है फायदे हैं अपनी डैम्पिंग के। मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट भी कर दिया, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है, इतनी ज्यादा साइलेंट जो है अपनी गाड़ी हो चुकी है, जरा भी इसमें कोई भी वाइब्रेशन जो है मेरे को फील भी नहीं हो रही है। तो बहुत ही जो है अच्छा काम हुआ है इस पूरी गाड़ी में। भाई अपनी थार में ना ये स्नॉर्कल भी जो है वो भी यूज लगाया गया है आफ्टर मार्केट, तो भाई उसके लगने के बाद जो है क्या ही जबरदस्त इस गाड़ी के जो है लुक्स निकल के आ रहे हैं। अपनी थार जो है कंप्लीट मॉडिफाई हो चुकी है, देख सकते हो आप। मैं इसका आपको टोटल एक बार रिव्यू दे देता हूँ। इसमें अपना जो है ग्रिल इंस्टॉल हुई है आफ्टर मार्केट, उसके बाद अपने हेडलैम्प्स हो गए, ये देख सकते हो आप। उसके बाद अपनी DRLs जो हैं वो चेंज हुई है, उसके बाद अपने जो फॉग लैम्प हैं वो चेंज हुए हैं, अपनी LED पड़ी है इसमें ऑटो मैक्स की 200 वॉट, उसके साथ अपने IPS प्रोजेक्टर हो गए, फिर अपना हो गया अपना फ्रंट बम्पर हो जाता है, उसके बाद आप हमर लाइट जो है वो भी आप देख सकते हो उसमें, क्या ही ज़बरदस्त जो है अपनी हमर लाइट लग रही है। उसके साथ साथ अपना जो है स्नॉर्कल भी आपको दिख जाएगा इस गाड़ी में, ये देख सकते हो क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है। उसके साथ साथ आपको अपना डोर हिंज जो है वो मिल जाएगा। ये अपनी जो गाड़ी है अपनी ब्लैक और रेड में जो है इसकी थीम रखी गई है, अपने जो एलॉयज हैं वो भी अपनी गाड़ी में जो है पेंट करे गए हैं। पीछे अपनी जो स्पॉयलर आपको लाइट दिख रही होगी, ये अपनी जी वैगन स्टाइल जो है स्पॉयलर लाइट जो है वो अपनी गाड़ी में इंस्टॉल हुए। तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आपको पीछे से भी जो है लुक्स वो देखने के लिए मिल जाएंगे। डैम्पिंग भी हुई है, पूरी फुल बॉडी डैम्पिंग ऑटोमैक्स की हुई है। उसके साथ एक बार मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, उसका शानदार था, ये देख सकते हो आप। इसमें अपना जो है एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल हुई है, K4 जो है वो यूज़ हुई है अपनी 14 पीस। उसके बाद जो है अपनी इसमें सीट कवर जो है वो इंस्टॉल हुए हैं, स्पीकर भी इस गाड़ी में इंस्टॉल हुए हैं। उसके बाद अपना डायमंड 2K वाला जो अपना स्टीरियो है वो इंस्टॉल हुआ है। उसके साथ साथ अपनी गाड़ी में 360 डिग्री का पार्किंग कैमरा जो है वो इंस्टॉल हुआ है, और आपको अपने ग्रैब हैंडल भी जो है दिख रहे होंगे अपने प्रो मैन के जो है वो इंस्टॉल हुए हैं। तो भाई इतना सारा काम जो है गाड़ी में हुआ है और गाड़ी लग रही है एकदम ज़बरदस्त। ये जो अपने ये तो सिर्फ थ्रो आ रहा है ना, ये सिर्फ अपना जो है सिर्फ फॉग लैम्प्स का थ्रो है, तो मतलब आप हाईवे पे आपको हेडलैम्प्स ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है, फॉग लैम्प से ही जो है ना आपको दूर तक का जो है वो दिखाई देने वाला है। अब देखो इसके हेडलैम्प जो है ऑन हो गए, ये देखो ऑफ कर दिया ऑन, तो भाई इतना ज़्यादा ज़बरदस्त जो है इसके हेडलैम्प्स का भी जो है रिस्पॉन्स आपको थ्रो देखने के लिए मिलेगा। और इस गाड़ी में अपना बोनेट स्कूप जो है वो भी जो है इंस्टॉल हुआ है, क्या ही ज़बरदस्त जो है फिनिशिंग, और इतनी ज़्यादा एग्रेसिव जो है लुक्स गाड़ी के लग रहे हैं।
तो भाई ये सारा काम जो हुआ है ना अपना, ये सारा काम हुआ है अपने डीके कार एसेसरीज पे। आपको नंबर जो है स्क्रीन पे दिख जाएगा, ये अपना पालिका भवन में पड़ता है, नंबर भी दिख जाएगा, मैं सारा एड्रेस भी जो है अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ऐसे ही कोई भी गाड़ी आप लेके आके अपनी ऐसी ही मॉडिफाई करा सकते हैं।